नमस्कार, जानो गुजरात में आपका स्वागत है। बीजेपी की चुनावी कमान थामने के बाद नरेंद्र मोदी ने रविवार को पंजाब के पठानकोट में अपनी पहली चुनावी रैली की। मोदी ने यहां उत्तराखंड के बाढ़ पीड़ितों को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि संकट की इस घड़ी में पूरा देश उत्तराखंड के साथ है। मोदी ने यह भी कहा कि कहर के पीड़ितों की राहत में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। उत्तराखंड का यह संकट इतना भयानक है, हजारों यात्री जिन्होंने अपने जान गंवाने पड़े हैं, अपने परिवार के स्वजन खोने पड़े हैं, उसी प्रकार से उत्तराखंड के नागरिकों को भी बहुत ही गंभीर नुकसान हुआ है। गांव के गांव उजड़ गए हैं, घोड़े चलाने वाले लोग गरीब जल में समा गए हैं। मैं उन सभी मृतात्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करता हूं और मैं उत्तराखंड वासियों से विश्वास दिलाता हूं कि यह देश सेवा की संस्कृति से पला बढ़ा हुआ है। यह देश उत्तराखंड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा रहेगा और उत्तराखंड की आपत्ति में से उत्तराखंड को बाहर निकालने के लिए यह देश कोई कमी नहीं रखेगा। ये मैं उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाता हूं। रैली में मोदी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ वोट बैंक की सियासत जानती है। हिंदुस्तान की एकता को तोड़ने वाले सारी शक्तियां विदेशों से प्रेरणा लेकर के, सहाय लेकर के हमारी इस देश को तोड़ने के लिए तुले हुए हैं और वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली की सरकार देश की एकता पर हमेशा संकराते रहते हैं, ये उनकी नाकामी का निशानी है। मोदी की रैली जम्मू कश्मीर और पंजाब के बॉर्डर पर पठानकोट के माधोपुर में हुई, जहां पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों से बड़ी तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता जमा हुए। मंच पर पहुंचते ही मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पगड़ी पहनाकर और तलवार भेंट कर उनका सम्मान किया गया। रैली में बीजेपी की सहयोगी पार्टी अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी जोर शोर से हिस्सा लिया। उत्तराखंड में बाढ़ के कहर से निकाले गए गुजरात के लोगों का घर लौटने का सिलसिला जारी है। राजकोट से उत्तराखंड गए 40 तीर्थयात्री रविवार को वापस अपने घर लौट आए। ये लोग भी बाढ़ में घिर गए थे। रविवार को सही सलामत लौटे इन लोगों को अपने बीच पाकर परिवारजनों के चेहरे पर खुशी से खिल उठे। कोई हेल्प नहीं मिलने आई थी, किसी ने पूछा नहीं था क्या हुआ है। सुबह में मालूम हुआ कि वहाँ से बादल फटा है और सारा खेदार नष्ट हो गया है। 23 जून को विश्व ओलंपिक दिवस के मौके पर वडोदरा में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। नाम दिया गया साइक्लोन 2013, जिसमें शहर के 3000 से भी ज्यादा साइकिल सवारों ने भाग लिया। साइकिलिंग को बढ़ावा देने के लिए रविवार को वडोदरा में साइक्लोन 2013 आयोजित की गई। शहर के लालबाग से शुरू हुई ये साइकिल यात्रा 21 किलोमीटर की थी और इसमें बच्चे, बड़े, बूढ़े सबने बड़े उत्साह से भाग लिया। साइक्लोन 2013 में पूर्व क्रिकेटर अतुल बेदाड़े ने भी भाग लिया। कह सकते कि थोड़ा एक साइकिलिंग एक हॉबी होती है और इससे बहुत ही हेल्थ के भी फायदे होते हैं और राष्ट्रीय कह सकते कि थोड़ा एक पेट्रोल की बचत होती है। साइकिल सवारों में कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पूरे देश में हफ्ते में एक दिन सिर्फ साइकिल चलाने का कानून होना चाहिए। आज साइक्लोथॉन के अंदर मेरा एक देश को एक ही संदेश है कि साइकिलिंग के लिए गवर्नमेंट को वीक के अंदर एक दिन
कंपलसरी होना चाहिए। साइकिल चलाने से पर्यावरण का बचाव होता है, उससे पॉल्यूशन कम होता है, इसलिए देश में सभी को साइकिल ही चलानी चाहिए। साइकिलिंग का ये सफर स्वस्थ वडोदरा के ख्याल के साथ पूरा हो गया। वडोदरा से मनोज शर्मा की रिपोर्ट, जानो दुनिया। तो ये थी जानो गुजरात में अब तक की खबरें। नई खबरों को देखने के लिए जानो दुनिया। नमस्कार।